हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है वो एक्शन कब लेंगे और क्या एक्शन हो सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग अगेन रूम्स रीडिंग है क्योंकि आप लोगों को रूम्स रीडिंग्स बहुत पसंद आ रही है, तो मैं सोचा चलो इस टॉपिक पे भी रूम्स रीडिंग की जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को इस पे पिक अ कार्ड या कोई और लाइक टैरो रीडिंग या कैंडल मैजिक देखना है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे मतलब सेम टॉपिक पे वो तरह की रीडिंग कर लूंगी। ठीक है, सो आज जो है अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान कर लो। रीडिंग जरूर है, जरूरी या जरूरी कि सब पे रिजॉर्ट करें पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। ध्यान रखना, रीडिंग जो है कलेक्टिव है प्लस टाइमलेस है। ठीक है, जब भी देखेंगे इसकी एक्यूरेसी आपसे मैच करेगी क्योंकि मेडिटेशन हो चुका है, एक्यूरेसी के लिए पावरफुल हीलिंग्स भी दे रही है इसमें। ठीक है, तो चले शुरू करते लेंगे प्रभु का नाम। मैं चाहूंगी एक और चीज ध्यान रखना, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीटा पे ध्यान ना देते हुए एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। बोलना पड़ता है यार, नहीं तो कंफ्यूजन होती है। कोई न्यू लोग आते हैं फिर वही सवाल करते हैं, इसे बोलना पड़ता है सब। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं, जानते हैं कि आपके पार्टनर कब एक्शन लेंगे और क्या एक्शन हो सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे करंट एनर्जी दे, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी दे, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, आपके पार्टनर मुझे काफी ज्यादा इस वक्त आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, काफी ज्यादा मतलब मुझे ऐसे दिख रहा है कि वो आपके बारे में न सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि कुछ प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपके साथ सब चीजें जो बिगड़ी हैं उसको ठीक किया जा सके, क्योंकि इस वक्त उनकी पोजीशन कुछ ऐसी चल रही है जहां पर उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, मींस बहुत ज्यादा जरूरत है। और प्रॉब्लम यही है कि उनको आपकी जरूरत है इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं। उनको रियलाइजेशन है कि नहीं वो तो हम देख लेते हैं कि उनको सच में ये भी एहसास है कि आप उनको मिस कर रहे होंगे या आप दुखी होंगे या आप उनको याद कर रहे होंगे, बट एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। और कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी के इर्द गिर्द कुछ ऐसे सिनेरियोज चल रहे हैं जिसके कारण चाहकर भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं महसूस कर पा रहे खुद को। इनकी लाइफ में एक साथ बहुत सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि रायते फैले हुए हैं और उन रायतों को समेटने के लिए इनको फिलहाल एक स्ट्रेंथ चाहिए, कोई उनको स्ट्रांग फील करवाए, ऐसी इनको एनर्जी चाहिए जिसके कारण ये आपके साथ वापस रीयूनाइट करने के बारे में स्ट्रांगली सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि जितना आप इस पर्सन को संभाल सकते हो, लाइक अपने पार्टनर को आप जितना संभाल सकते हो उतना इनके एनर्जीज को या इनके बोलते हैं नखरों को, इनके भावों को कोई मैनेज नहीं कर सकता है। और इनको इस वक्त आपकी इसलिए भी जरूरत है क्योंकि ये आपसे ही सबसे ज्यादा हील्ड महसूस कर सकते हैं, आप ही से ही ये खुद को वापस दोबारा पहले जैसा एकदम एनर्जेटिक इंसान मान सकते हैं, अपने आप को फील कर सकते हैं दोबारा कि वो एग्जैक्टली जो कॉन्फिडेंस है, वो एक सुंदरता का एहसास है, वो सब चीजें आप इनको फील कराते हैं। और इसीलिए ये आपको लेकर इस वक्त बहुत सीरियस लेवल पे सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और बताएं यूनिवर्स। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आप लोग दोनों की जिंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंट आ सकता है क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली एनर्जेटिक हो रहे हैं। कोई स्टेप या कोई एक्शन इनकी तरफ से ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। मुझे नहीं लग रहा है कि हमें इस पे बहुत घुसना चाहिए कि अरे फाइनली वो एक्शन ले रहे हैं, बट मैं करंटली ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं आपको लेकर। इनके मन में जो भी गिले शिकवे थे आपको लेकर या जो भी नाराजगी या जो भी गलत फहमियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, इनके मन में आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, प्रायोरिटी बढ़ चुकी है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगने लगा है जितना आप इनको संभाल सकते हैं उतना कोई नहीं इनको कैरी कर सकता है। आपको लेकर इनके अंदर बहुत ही डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस दौरान इस पर्सन को किसी ने भी आपके खिलाफ कुछ कह दिया और कह दिया कि आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं है या आपने इनके साथ बहुत गलत किया, तो ये शायद उनको भी खरी खोटी सुना सकते हैं। ये बेहतरीन तरीके से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और ये उनकी करंट एनर्जी है जहां पर ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड भी हैं, बहुत सोच भी रहे हैं और उनको गूस बम्स भी आ रहे हैं। बिकॉज कभी कभी होता है ना, हम सोचते हैं और उनको गूस बम्स आ जाते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की जहां पर उनको एकदम से सोच सोच के भी एक्साइटमेंट आ रहा है कि यार ऐसे ठीक करना है वैसे। और ऐसे टाइम में अगर आपने भी कुछ किटकिट कर दी या किसी तरीके की बात को पकड़ लिया या आपने खुद होकर इनसे बात करने की कोशिश की या ये जो है पुश मतलब वापस इनकी तरफ झुक गए, तो पॉसिबिलिटीज है कि ये पर्सन फिर से बैक स्टेप ले ले, इनका इरादा बदल जाए। इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखना फिलहाल तो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करने लगे वो आपकी इज्जत करने लगे। इन्हें समझ में आ गया है कि आप इनकी जिंदगी का वो सूरज हो जिनके बिना आपकी उनकी लाइफ में जो है लाइट आ ही नहीं सकती, मतलब फुली तरह अंधेरा ही रहेगा। आप दोनों के बीच में मुझे इमोशनल लेवल में हैवीनेस आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आप लोग दोनों के बीच में, जिसके कारण मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स और एक दूसरे के
भावनाओं को समझने की ताकत और स्ट्रेंथ आ गई है, जहां पर आप लोग दोनों एक दूसरे को समझेंगे। आप दोनों के इमोशंस जो है बहुत हैवी होंगे, दोनों शायद एक दूसरे को देखकर रो पड़े या दोनों एक दूसरे को देखकर शायद मुस्कुराएं या एक बहुत ज्यादा ओवरवेल्म वाली फीलिंग आ जाए, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के इमोशंस बहुत हैवी रहेंगे। ये आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको लेकर इनके मन में बहुत केयर और बहुत ही प्यार और एक मदर लाइक एनर्जी आ चुकी है, जहां पर ये आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली फीलिंग्स डेवलप कर चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये अगर लाइफ में किसी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे या किसी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस रहे तो वो आप हैं। ये आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं और इस वक्त इनकी जिंदगी में आप बहुत ज्यादा इस लेवल पर आ चुके हैं। आपने धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ी है और वो सीढ़ी यहां तक आकर पहुंची है, जहां पर आप इनके सर पर चढ़कर बोलने लगे हो। कहीं ना कहीं आपका पावर और आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया इस पर्सन के सामने। यूनिवर्स और बताए इनकी करंट एनर्जी के बारे में, कोई भी बीच में से निकालती हूँ। यस, आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सडनली बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। सडनली मतलब ऐसा समझ लो लक चेंज होने के जैसा, लक बदलने जैसा कुछ हो रहा है। सडनली आप लोगों की जिंदगी के फॉर्च्यून में एक बहुत बड़ा लाइक ऐसा समझ में बहुत ही रातों रात वाला मिरेकल हो रहा है, क्रिएट हो रहा है मिरेकल। जैसे कि मानो आपकी जिंदगी में आपने इतना अच्छा नहीं सोचा होगा, शायद मुझे नहीं मालूम आप लोग कितना पॉजिटिव सोचते हो, लेकिन शायद हो सकता है कि आप इतने पॉजिटिव ना रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ग्लैड फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर इतने ज्यादा तब्दीली और इतना स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है कि इनको अब जो है कोई डीमोटिवेट आपकी तरफ से नहीं कर सकता या आपकी आपके लिए नेगेटिव नहीं फील करवा सकता। बेसिकली आपका समय बदलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि समय बहुत अलग तरीके से बदला है और ये आपके बारे में और ज्यादा अब जानने को उत्सुक हो गए। इनको लग रहा है आपके बारे में बहुत जाना जा सकता है, आपसे घंटों बातें की जा सकती है, क्योंकि इस दूरियों के दौरान आपकी लाइफ में क्या हुआ ये सब कुछ जानना चाहते हैं। बेसिकली आपसे सारी इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, आपको पढ़ना चाहते हैं, बेसिकली आपको पढ़ना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको प्रॉपर समय नहीं दिया जिस वक्त आप दोनों रिलेशनशिप में थे और किसी तरीके की जो दूरियां आई उस दौरान इन्होंने आपको समझने की कोशिश नहीं की, बट अब ये आपको सुनना चाहते हैं और बहुत स्ट्रांगली आपके बारे में बोलते ना एक मतलब बोलते सुनना इन द सेंस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ, कौन कौन आया, किसने किसने क्या किया, किसने क्या बोला। तो बेसिकली इनको आपकी चपड़ 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 सुनने का बड़ा मूड है और इनको आपसे बात करनी है, ढेर सारी बातें करनी है और वक्त बदलने के कारण ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, मुझे काफी स्ट्रांगली आप लोगों की एनर्जी सैजिटेरियस की एनर्जी दिखी है, कुछ लोगों के लिए एरीज साइन दिखी है, कुछ लोगों के लिए मुझे जो है कैप्रिकॉर्न एनर्जी दिखी है और यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे काफी स्ट्रांगली स्कॉर्पियो की दिख रही है, एक्वेरियस की दिख रही है, कुंभ राशि और लिब्रा एनर्जी दिखी है और मुझे काफी लोगों के लिए ओके मुझे काफी लोगों के लिए कैंसर की भी एनर्जी मिल रही है। ओके, इनमें से कोई साइन आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है, बट जो मुझे दिखी मैंने जो बता दिया आपको सैजिटेरियस वगैरह उस हिसाब से भी देख सकते हो आप। और ज़ोडियक साइन भी नहीं है तो दिख रहा है वो बताया मैंने। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्शन लेंगे इनके पार्टनर, क्या एक्शन लेंगे यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे इनके प्रति। समय तो बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे बदल रहा है, दिन रात का फर्क आएगा आप दोनों के बीच में। आप लोग दोनों के बीच में क्या हुआ है ना कि एक वो समय था जहां पर सब कुछ बहुत बुरी तरह खत्म हुआ, जहां पर ये समझने को तैयार नहीं थे। आप रोते रहे, समझाते रहे, सवाल के जवाब मांगते रहे, क्यों किया ऐसा मेरे साथ या क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों दूर क्यों हो रहे हैं, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अभी समय में मुझे बहुत बड़े लेवल का बदलाव दिख रहा है, जहां पर या तो आप अपने पार्टनर के साथ ये बर्ताव मेंटेन करेंगे या आप दोनों के बीच में जो दूसरा इंसान है वो इसी सेम कर्मा को भोगने वाला है, सेम रिपीट होगा पैटर्न उनके साथ और आपको वो जस्टिस मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। आपके साथ न्याय नहीं हुआ है बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है और यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेगी, आपके पार्टनर आपके साथ न्याय करेंगे, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको दिया जाएगा। जो आपकी जिंदगी में पॉलिटिक्स की गई या किसी तरीके का षड्यंत्र रचा गया जिसको आप बार बार प्रूफ करते रहे कि ये आपने नहीं किया मेरा विश्वास करो या आप इनके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते, किसी तरीके के भी मनमुटाव आप दोनों के बीच में आए हैं वो सब चीजें खत्म
जाएंगी, अब आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग आएगी और समय ऐसा बदलेगा जहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका एक्शन ये होगा कि कल तक जो आपको भाव भी ना देते थे अब वो आपको इतना भाव देंगे, यानी कि सर पे बिठाएंगे और आप इनके प्यार को देखकर फूले नहीं समाएंगे, आपके लिए बहुत सारी चीजें वो ऐसे करेंगे, मानो वो कहते हैं ना कि चांद को लाकर तेरे कदमों पे रख दूंगा, चांद सितारे बोल तो तू मांग तो सही, तो यस वो चांद सितारे आपके कदमों पे रखे जाएंगे और लिटरली आपकी जिंदगी में एक मैजिकल मोमेंट क्रिएट किया जाएगा। यही एक्शन इनका होगा कि आपको जिंदगी की सारी खुशियां मिल सके। यूनिवर्स मुझे बताए ये एक्शन कब लेंगे आपके, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर एक्शन कब लेंगे। आपके पार्टनर जो है एक्शन लेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके पार्टनर किसी को कट ऑफ करने के बाद ही एक्शन लेंगे। आपके पार्टनर की जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो या तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पे है या कोई बहुत ही फैमिली का क्लोज या उनका कोई क्लोज पर्सन है जिसको ये कट आउट करेंगे और उसके बाद ही आपके पास आएंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका एक्शन आपको तब रिसीव होगा जब ये इनको कट आउट करेंगे और मुझे काफी स्ट्रांगली काफी लोगों के लिए 2 हफ्ते दिखाई दे रहा है, 2 हफ्ते के दौरान ही होने वाला है और काफी लोगों के लिए थोड़ा सा डीले हो सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डीले भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए सिर्फ विद इन 2 वीक्स में हो जाएगा और कुछ लोगों के लिए मुझे ये जुलाई मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जुलाई मंथ में अप्रैल मंथ में होता हुआ दिख रहा है कि आप लोगों का उस दौरान जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होगा और ये पहले किसी चीज को किसी एनर्जी को अपने यहां से कट ऑफ करेंगे और ये अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई नहीं है तो ये अपने स्वाभिमान को कट आउट करेंगे या अपने ईगो को अपने घमंड को कट आउट करेंगे और उसके बाद आपके पास आएंगे। कुछ ऐसा है जो इन्हें त्यागना है और उस त्याग को करने के बाद ही ये आपके पास आएंगे, इससे पहले इनके बीच में और आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ अगर हुआ भी तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होगा, लेकिन एक सही तरीके की रिकंसिलेशन या रीयूनियन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये उसी कहे इस दौरान में होगा जिस दौरान मैं आपको बता रही हूँ। इट विल टेक टाइम, यानी कि समय लगेगा, थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन चीजें बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए वर्क करेंगी। वो कहते हैं ना सबर रख फल की चिंता मत कर, समझ तो यही समझो कि अगर आपने सबर रखा तो फल आपको बहुत सुंदर मिलेगा, ठीक है, पेड़ को उगने में, बीज को बोने में और फल को बनने में, उगने में बनने में बोलते हैं ना प्लांट होने में टाइम लगता है जब फल, लेकिन बनता है तो बड़ा स्वाद होता है, बड़ा ऑर्गेनिक होता है, बड़ा नेचुरल होता है, राइट। तो इसी तरह कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा ही होगा आपके लिए, बट आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। अब मैं देख रही हूँ कि ऑब्स्टेकल क्या है आप दोनों के बीच की, ऑब्स्टेकल यूनिवर्स मुझे बताएं दोनों के बीच की ऑब्स्टेकल क्या है, इन दोनों के रिश्ते की ऑब्स्टेकल क्या है। आप दोनों के बीच में कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी मुझे दिख रही है जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है या कोई मदर है, कोई किड्स या बच्चे भी हो सकते हैं, सॉरी टू से मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, पर यही चीजें जो है मुझे दिख रही हैं आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है वेरी स्ट्रांग जो आप दोनों के बीच आई है, जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और ये मुझे काफी स्ट्रांगली मदर या चिल्ड्रंस या कोई ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो बहुत ही मैनिपुलेटिव है, जो बहुत ज्यादा इनको अपने हाथ में रखना पसंद करता है, अपने कंट्रोल में करना पसंद करता है, जिसके हाथ से जब भी कोई चीज कंट्रोल के बाहर चली जाती है तो वो छटपटा जाता है या एग्रेसिव हो जाता है और अजीब तरीके से बेढंगा तरीके से बिहेवियर क्रिएट कर देते हैं और अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके षड्यंत्र रच कर आप दोनों के बीच में एटलीस्ट आपके पर्सन को तो स्पेशली हथियाया जा सके और उन्हें कभी भी हाथ से आसानी से जाने ना दिया जाए, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, ये मुझे एक स्ट्रांगली फेमिनाइन एनर्जी मिली है जिसके कारण आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और ये उनको इतना हाथ में रखने की मतलब बोलते ना एक पाने की चाहत और जिद इतनी ज्यादा है जहाँ पे साम दाम दंड भेज करने लगते हैं, पर ये सोचते नहीं कि एक दिन कर्मा तो घूम के चपेट मारता ही है, तो वो चपेट लगने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, यानी कि जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसका कहीं ना कहीं नाश तो होना ही है, अगर कर्म बुरे किए हैं तो फिर भुगतान तो करना ही है, ठीक है। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। थैंक यू यूनिवर्स, अगर रीडिंग पसंद आती है तो यार क्लेम करना बिल्कुल मत भूलो, क्लेम किया करो इस एनर्जीज को। एक सेकेंड, हाँ ये रहा यूनिवर्स, मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को उनकी पार्टनर की तरफ से।
आपको मैसेज मैसेज मेरे जाने का मैसेज पार्टनर की तरफ से मैसेज आया. आई नो आई डोंट एडमिट इट बट आई एम रॉन्ग आई हर्ट यू. मैं पता है मुझे मैं कभी मानता नहीं अपनी गलती मैं दिखाता नहीं बट मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है जाने अनजाने में तुम्हें बहुत मैं तुम्हारा बहुत दिल दुखाता हूँ. तुम्हारे बारे में सब मुझसे बात करते हैं आपके बारे में सब उनसे पूछते हैं मोहल्ले की हर चाची नाना उनके दोस्त उनके फैमिली के लोग. शायद आपने इतना वक्त उनके साथ व्यक्त किया है कि कहीं ना कहीं वो लोग रेसिस नहीं कर पाते हैं जब आपको उनके इर्द गिर्द नहीं देखते हैं तो उनको लगता है अरे वो कहाँ गई या उसका क्या हुआ कोई मैसेज वैसेज आता है कि नहीं तो सब आपके बारे में उनसे पूछते हैं. हमसे ना हो पाएगा आई लव यू बट आई डोंट नो हाउ टू प्रूव इट. मैं जानता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ पर मुझे नहीं पता आखिर प्रूफ कैसे करना है ये मुझसे नहीं हो पाता. हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो रब ने बना दी जोड़ी हो. हम दोनों के बीच अब वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही आप दोनों के बीच में बहुत क्लैशेस हैं अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. यस आई एम लेजी टॉर्टराइज है मैंने कहा ना थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं टॉर्टराइज हैं थोड़े से लेजी हैं बट चीजें ठीक जरूर होंगी आप लोगों को बस सब्र रखना है ठीक है. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. अगर रीडिंग पसंद आई जल्दी से मस्त वाला लाइक चिपका दो कमेंट कर दो आई क्लेम दिस एनर्जी थैंक यू सो मच यूनिवर्स. और यस ब्रेसलेट के लिए अमित भैया को कॉन्टेक्ट करियो करियर और फाइनेंस की काउंसिलिंग के लिए अगर कोई ग्रोथ चाहिए नहीं हो रही है ऑब्स्टेकल आ रही है तो अमित भैया को कॉन्टेक्ट कर सकते हो. रीडिंग भी करते हैं कंसल्टेशन भी करते हैं साथ ही साथ ये दीदी से अगर रीडिंग करवानी है तो वो चार्जेबल होती है फ्री नहीं होती. उसका नंबर जो है वीडियो पे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. व्हाट्सअप करे दोस्त कॉल ना करे ठीक है स्ट्रिक्टली कॉल ना करे. और उसके अलावा क्या बचा यस फ्री रीडिंग चाहिए तो आप लोग मेरी वेबसाइट पे विजिट करें www.theremindaronline.com और वहां पर अपनी रीडिंग खुद कर सकते हैं ठीक है. बहुत लोग करते हैं दिन रात करते हैं बहुत लोगों का मतलब मैं देखती हूँ बहुत लोग फ्री रीडिंग करते हैं एंजॉय कर रहे हैं. आप भी जरूर ट्राई करके देख लो आपको भी पसंद जरूर आएगी. इंस्टाग्राम पे भी आके मुझे जल्दी से फॉलो करो वहां कलेक्टिव पिकअप कार्ड रीडिंग और वीकेंड रीडिंग में कर रही हूँ कहीं स्किप ना हो जाए ठीक है. सो अपना ध्यान रखो मुस्कुराते रहो बाय टेक केयर ओम साई राम.